Perfect. एक जमाना था जब लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं होते थे, और होते भी थे तो बहुत अमीर लोगों के पास। फिर तकनीकी क्रांति हुई और मोबाइल आम आदमी के हाथों में नजर आने लगा। ये दौर 2G का था, इंटरनेट चलता तो था लेकिन बहुत धीरे। फिर 3G का दौर आया और एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कई कंपनियां 3G सर्विस देने लगी, और फिर आ गई 4G तकनीक। लेकिन आप एयरटेल ने 5G में बाजी मारते हुए सबसे पहले भारत में 5G सेवाएं शुरू कर दी। एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में घोषणा की कि देश के 8 शहरों में इसकी शुरुआत हो गई है। एयरटेल के अनुसार दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु समेत देश के 8 शहरों में 5G सेवा की शुरुआत कर दी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G का अपने हाथों से उद्घाटन किया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि 5G जिसमें इन्वेस्ट करने वाले बिजनेसमैन को फायदा से ज्यादा नुकसान है, तो आखिर वो किन वजह से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्यों वो चाहते हैं कि 5G में उनका नाम सबसे आगे हो। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि 5G में पैसा लगाना उनके लिए रिस्क हो सकता है, लेकिन इस रेस में कई बड़े बिजनेसमैन का नाम शामिल है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। देश की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने 5G सर्विसेज लॉन्च करने के लिए कमर कसी है 5G की पेशकश की। जानकारों का कहना है कि एयरटेल अभी बेहतर स्थिति में दिख रही है। इसकी वजह यह है कि उसका 5G रोल आउट वर्जन नॉन स्टैंड अलोन मोड में है। दुनिया का 90% से अधिक नेटवर्क्स इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि जियो का स्टैंड अलोन मोड 5G का सुपीरियर वर्जन है, और अगर इसका इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ तो ये एयरटेल की शुरुआती बढ़त को पीछे छोड़ सकता है, और इन वजहों से इन बिजनेसमैन ने 5G में इन्वेस्ट किया। लेकिन इस रेस में 5G दिग्गजों की जंग होगी। सुनील की अगुवाई वाली भारतीय एयरटेल और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो की 5G स्ट्रेटेजी पूरी तरह अलग है। इस लड़ाई में कौन जीतेगा, इसका फैसला इस बात पर होगा कि एयरटेल अपनी रणनीति कैसे जमीन पर उतारती है और इसका कैसे इस्तेमाल करती है, और जियो का इकोसिस्टम कैसे विकसित होता है। जियो एयरटेल की 5G लड़ाई टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होगी, लेकिन इस बात से तय होगी कि सभी स्टेक होल्डर्स के लिए लागत कम करने के लिए कौन तेजी से अपने इकोसिस्टम को अडॉप्ट करता है। एयरटेल ने NSA मोड चुना है और दूसरी ओर जियो ने अपने 5G लॉन्च के लिए ASA मोड चुना है। हाल में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में केवल जियो ने ही 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा था। जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने हालिया रिपोर्ट में कहा कि कंपनी देश के 1000 शहरों में 5G कवरेज प्लान शुरू करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर एयरटेल का कहना है कि 5000 शहरों और कस्बों में 5G सर्विस शुरू करने के लिए तैयार है। एनालिस्ट का कहना है कि जियो का ASA नेटवर्क इस जंग में अंतर पैदा कर सकता है। अगर 700 मेगाहर्ट्ज बैंड से जुड़ा इकोसिस्टम तेजी से विकसित होता है तो कंपनी इसका फायदा उठा सकती है। इसकी वजह यह है कि घनी शहरी बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में ये बेहतर साबित होगा। BNP परिभाष के मुताबिक अगर 5G अडॉप्शन में तेजी आती है और नए स्पेक्ट्रम नीलामी में देरी होती है तो 700 स्पेक्ट्रम बैंड जियो को कवरेज में एडवांटेज दे सकता है और इसका मार्केट शेयर में सुधार आ सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि 5G का इस्तेमाल इस बात पर भी निर्भर करता है कि 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के आसपास हैंडसेट इकोसिस्टम अभी मैच्योर नहीं हुआ है। अमेरिका और साउथ कोरिया में ASA और NSA मोड अपनाया गया है, लेकिन ऐसे मोड पर कुल 5G ट्रैफिक का केवल 10% ही जनरेट हुआ है, यानी दुनिया में NSA नेटवर्क से जुड़ा इकोसिस्टम ज्यादा डेवलप है। रिलायंस के वेंचर जियो ने सीधे 4G लॉन्च किया और कुछ महीने फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराकर लोगों को इसकी आदत लगा दी। बाद में अन्य कंपनियों को भी इंटरनेट की दरें कम करनी पड़ी। यहाँ जी से सामान्य अर्थ जनरेशन समझिए। हम भारतीय मोबाइल तकनीक के 4th जनरेशन में जी रहे हैं और अब दौर आने वाला है 5G का। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G ट्रायल की अनुमति दे दी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक अफवाह तो यहां तक उड़ गई थी कि 5G टेस्टिंग की वजह से ही देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो फिर उन देशों का क्या जहां पहले से 5G मौजूद है, और ट्रायल शुरू होने से पहले भी तो मामले तेजी से बढ़ रहे थे। हालांकि सरकार की ओर से इस अफवाह का खंडन भी किया जा चुका है। हालांकि इसी के साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि 5G आखिर है क्या, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। जिनके पास फोन नहीं है ये, या तो वो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो आपको बता दें, 5G यानी मोबाइल नेटवर्क की जनरेशन, तेज नेटवर्क स्पीड, बिना रुकावट, HD सर्फिंग, बेहतरीन सेवा और भी बहुत कुछ। दरअसल 5G सेलुलर सेवा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसे 4G नेटवर्क का अगला वर्जन कहा जा सकता है। इसमें यूजर्स को ज्यादा नेट स्पीड, कम लेटेंसी
एफिशिएंसी और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। अब तक की सेलुलर टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी पर फोकस किया करती थी, लेकिन 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी एक कदम आगे बढ़कर क्लाउड से क्लाइंट को सीधे कनेक्ट करेगा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर 5G आने से क्या कुछ बदल जाएगा। इंटरनेट स्पीड की बात करें तो जाहिर है कि 5G की स्पीड 4G से काफी ज्यादा होगी। 4G की पीक स्पीड जहां 1 Gbps तक की है, वहीं 5G की पीक स्पीड 20 Gbps यानी 20 GB प्रति सेकंड तक की होगी। इससे कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर होने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते खुलेंगे। ड्राइवरलेस कार की संभावना इसके जरिए पूरी होगी। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी दूर संचार कंपनी रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि उनकी कंपनी की 5G सेवा दिवाली से देश के कुछ शहरों में शुरू हो जाएगी और दिसंबर 2023 तक पूरे देश में किफायती कीमत पर यह सेवा लागू हो जाएगी, जो हो चुकी है। देश की तीसरी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने भी शीघ्र 5G सेवा शुरू करने की बात कही है। वहीं आपको बता दें, भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा की लॉन्चिंग के दौरान कहा कि हम पहले फेज में दिल्ली, बेंगलुरु जैसे 8 शहरों में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत करेंगे, जिनमें दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। सुनील मित्तल ने कहा कि इसके बाद एयरटेल 5G को मार्च 2023 तक देश के लगभग सभी शहरों तक पहुंचाया जाएगा और मार्च 2022 तक पूरे देश में एयरटेल 5G होगा और दूसरी तरफ जियो इन शहरों में पहले शुरू करेगा 5G इंटरनेट। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5G लॉन्चिंग के दौरान कहा कि देश में सबसे पहले जियो 5G सर्विस को लॉन्च करेगा। 2023 तक देश की गली गली में 5G सर्विस होगी। अंबानी ने कहा, 5G किफायती होगा और आम आदमी तक इसकी पहुंच होगी। पहले फेज में देश के प्रमुख 13 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में जियो 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। इसके बाद इसे दिसंबर 2023 तक देश के सभी जिलों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि अब तक वोडाफोन आइडिया 5G को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि VI ने कुछ समय पहले बयान जारी किया था कि कंपनी यूज केस के हिसाब से 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान करेगी। कंपनी के CEO रविंदर ठक्कर ने कहा था कि कंपनी कस्टमर्स की मांग, कैपेसिटी की जरूरत और कॉम्पिटिटिव डायनेमिक जैसे विभिन्न फैक्टर के आधार पर 5G रोल आउट करने का निर्णय लेगी। और अंत में जाते जाते हम आपको बताते चलें कि 5G सर्विस के 5 बड़े फायदे हैं। हाई स्पीड इंटरनेट। 5G सर्विस की शुरुआत हो जाने के बाद यूजर्स फास्ट इंटरनेट स्पीड का फायदा उठा सकेंगे। किसी भी फोटो वीडियो को डाउनलोड करने या अपलोड करने के लिए आपको किसी तरह की मशक्कत नहीं होगी। बेहतर वीडियो कॉलिंग। 5G सर्विस से लोगों को एक अच्छे कनेक्टिविटी के साथ इंटरनेट स्पीड मिलेगी। साथ ही वीडियो कॉलिंग के दौरान कनेक्शन प्रॉब्लम, स्लो वीडियो या कोई क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा। फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड। 4G की तुलना में 5G सर्विस से आपको फास्ट डाउनलोडिंग का एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसके लिए आपको घंटों रुकना नहीं पड़ेगा। फिल्म हो या कोई वीडियो 5G से पलक झपकते ही ये डाउनलोड हो जाएगी। नहीं होगी कॉल ड्रॉप की समस्या। 4G यूजर्स को कॉल ड्रॉप की समस्या का काफी सामना करना पड़ता है। हालांकि 5G के होने पर इससे छुटकारा पाया जा सकेगा। मिलेगी क्लियर ऑडियो। 4G यूजर्स के लिए सिर्फ कॉल ड्रॉप की समस्या एक नहीं है, बल्कि क्लियर ऑडियो न मिल पाना भी एक सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि इसे भी दूर करने के लिए 5G सर्विस को अपनाया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे 5G सेवा के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारी ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।